बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। द मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिफाइंड एज द 1.4 मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। मीन्स mean life denoted by tau, which is equal to 1.4 multiplied by half life of the nucleus. मिसाल के तौर पर अगर हम कार्बन 14 को देखें तो कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ होता है वो 5730 साल होता है। तो अगर इस 5730 साल को हम 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करें सो वी अपटेन 8022 ईयर्स। सो दिस इज नोन एज the mean life or average life of carbon 14. Our mean life defined as the mean life of a radioactive nucleus is defined as the ratio of the total lifetime of all the radioactive nuclei to the total number of such nuclei, and it is called mean life or average life of a radioactive nucleus. तो इसका दूसरा definition हो गया। अब हमने इसको prove करना है कि जो equation है मीन लाइफ विच इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ ई किस तरह आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है और इसमें डिके होता है, मीन्स टाइम T1 में जो है इसका DN1 पार्टिकल डिके होता है, सो इट्स प्रोडक्ट इज T1 DN1। फिर टाइम T2 में इससे और पार्टिकल भी डिके होता है जिसका नाम है DN2, सो इट्स प्रोडक्ट इज T2 DN2। सिमिलरली टाइम T3 में इसे और पार्टिकल डिके होता है, सो द प्रोडक्ट ऑफ T3 एंड DN3। अब अगर इस सारे को हम ऐड करें दिस वन और फिर उसको डिवाइड करें DN1 प्लस DN2 प्लस DN3 लाइक दिस वन, तो इन दोनों का जो रेशो बनता है वो बनता है हमारे पास टाउ या मीन लाइफ या एवरेज लाइफ ऑफ दैट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। अब इसी इक्वेशन को इसी समेशन फॉर्म को जो है हम इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, टाउ टी इक्वल टू 0 to N0 TDN डिवाइड बाय 0 to N0 DN। नाउ द पार्टिकल या द इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to N0 DN डिफाइन एज N0, मीन दिस इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली विच इज इक्वल टू N0। सो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास सारे ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दिस वन, और इस एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस वन। सो टाउ इक्वल टू 1 by N0 0 to N0 TDN। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है तो आइए इसकी जो हमारे पास सोदी और रदरफोर्ड रेडियोएक्टिव लॉ है उसके बेस पर हम जानते हैं दैट N = N0e−λt, वेयर लैम्डा इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें सो वी ऑब्टेन DN = N0−λe−λt×dt। मींस इक्वेशन वन में जो हमारे पास इंटीग्रेशन था विद रिस्पेक्ट टू dn उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। सो याद है कि इनके जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएंगे, मीन्स वेन N = N0 या टाइम T = 0, अगर हम यहाँ पर टाइम T = 0 पुट करें सो वी ऑब्टेन N = N0। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर टाइम T = ∞ पुट करें सो वी ऑब्टेन N = 0। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो N के लिमिट थे जो 0 और N0 के थे, तो अब ये लिमिट जो है इन केस ऑफ टाइम इसको हम इस तरह लिखेंगे, फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल 0 दिस वन द टाइम इज इन्फिनिटी, एंड फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल N0 दिस वन द टाइम इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो इक्वेशन वन था उसको हम इस तरह लिखेंगे, टाउ इक्वल टू 1 by N0 ∞ 0 t − λ N0 e − λ t × dt। सिंपली हमने जो है इक्वेशन वन में डी एन की वैल्यू को फोट किया। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन दिस वन, लेकिन अगर हम इस इंटीग्रल के लिमिट को चेंज करें सो बाई चेंजिंग द लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन हमारे पास एक माइनस साइन आ जाएगा और उस माइनस को हम इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो टाउ इक्वल टू 0 to ∞ t e − λ t × dt।
अब इसी इक्वेशन का जो है, इसी इंटीग्रेशन का हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इक्वेशन वन, सॉरी दिस वन, अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करें, सो टाउ इक्वल टू, दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकंड फंक्शन, सो वी ऑब्टेन बाय दिस लैम्डा रिमेन एज इट इज। टा हमारा टी है हमारे पास है, वो फर्स्ट फंक्शन है तो ये एज इट इज रह जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें सो ये कन्वर्ट हो जाएगा ई पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइड बाय माइनस लैम्डा जीरो टू इन्फिनिटी माइनस, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे सो वी ऑब्टेन वन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो वी ऑब्टेन दिस वन। सो अगर हम इसमें लिमिट को पुट करें सो दिस होल एक्सप्रेशन अप्रोच टू जीरो, एंड अगर इसका हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें सो दिस बिकम वन ओवर लैम्डा, और अगर इसको हम दोबारा इंटीग्रेशन करें सो वी ऑब्टेन टाउ इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, अगेन बाय इंटीग्रेशन वी ऑब्टेन दिस वन। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन टाउ इक्वल टू वन ओवर लैम्डा, सो इट मीन टाउ इक्वल टू वन ओवर लैम्डा, और लैम्डा की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 0.692 डिवाइड बाई टी हाफ के बराबर होती है। सो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो इट मीन्स दैट मीन लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ, मीन्स जिस न्यूक्लियाई की भी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो उसकी मीन लाइफ भी ज़्यादा होगी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट टाउ इक्वल टू वन ओवर लैम्डा, क्योंकि हमें मालूम है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, वो बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा के। सो इट मीन्स, या इस एक्सप्रेशन को हम देखें सो मीन लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, सो जिस न्यूक्लियाई की भी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी मीन लाइफ कम होगी, और जिस न्यूक्लियाई की डिसइंटीग्रेशन वैल्यू कम होगी तो इसकी मीन लाइफ हमारे पास ज़्यादा होगी। अब इसी एक्सप्रेशन पर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। सो वी नो दैट द सूजी एंड अदर पोल ला इन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, करेक्ट, बट वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू वन ओवर टाउ, सो अगर लैम्डा की जगह हम वन ओवर टाउ को पुट करें सो वी ऑब्टेन दिस वन। सो दिस इज नोन एज सूजी एंड अदर पोल्स ला इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियाई नंबर्स, अगर इसको हम एक्टिविटी के टर्म में लिखे सो सूजी एंड अदर पोल ला इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी दैट इज ए इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टाउ, इसको हम इस एक्टिविटी के टर्म में किस तरह लिखेंगे, दोनों के साइड के साथ जो है लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, सो लैम्डा एन इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा, सॉरी ई पावर माइनस टी डिवाइड बाय मीन लाइफ टाउ। नाउ दिस इज नोन एज एक्टिविटी एंड दिस इज नोन एज इनिशियल एक्टिविटी, सो दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू ए इक्वल टू एन आर ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टाउ, सो दिस इज नोन एज सूजी एंड अदर पोल ला इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। अब इसी के बेस पर जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो आइए उस प्रॉब्लम को चेक करते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यू है एन आइसोटोप एक्टिविटी डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 4 ओवर ए पीरियड ऑफ 10 डेज, कैलकुलेट मीन लाइफ, हमें टाइम दिया गया है और इस टाइम से हमने मालूम करना है मीन लाइफ को, सो वी नो दैट ए इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ, अगर हम बोथ साइड को लॉगरिथम ले लें सो दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस टर्म, अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें या इसको सॉल्व करें पर टाउ के लिए पर मीन लाइफ के लिए, सो मीन लाइफ इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बाई लॉग ए डिवाइड बाई ए नॉट, या माइनस टी मीन 10 डेज डिवाइड बाई लॉग ओवर ए नॉट, और इस ए ओवर ए नॉट की जगह हमने को पुट करना है 1/4 अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, और फिर जो है हमें इसने को सॉल्व करना है, सो वी हैव 10 माइनस 10 डेज डिवाइड बाई लॉग 1 माइनस लॉग 4, और हमें मालूम है कि हमारे पास जो माइनस लॉग 4 होता है उससे भी कुछ टर्म आ जाएगा माइनस में, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो वी हैव 10 टाउ इक्वल टू 7.21 डेज, सो दिस इज द मीन लाइफ फॉर ए न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी 10 डेज सच दैट द न्यूक्लियाई डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 4। थैंक यू।